मैं लेकर आया हूँ आज नेवी MR प्रिपरेशन GK GS पार्ट 4। ठीक है दोस्त, आज का ये टॉपिक है GK GS के बारे में, और इस टॉपिक पे मैंने टोटल क्वेश्चन 8 डाला है जो आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या तो मैं बताऊंगा ये। ठीक है दोस्त, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आकाश की नीला रंग इस कारण होता है, किस कारण होता है? ये तो आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास का है, आकाश का नीला रंग। मैं इंग्लिश भी बोलूँगा, ठीक है, आप सुनेंगे। विच प्रॉपर्टीज इज स्कैटर्ड ऑफ लाइट, किस प्रॉपर्टीज़ के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट कराता है, प्रकाश का वितरण होगा। ठीक है, और इसका आंसर भी मैंने बता दिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैंने स्कैटर्ड बताया था, लेकिन इसका आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का वितरण। यानी कहाँ पर वितरण, ये तो अपवर्तन है, विपरीत है, ये है प्रकीकरण, ये आंसर है। ठीक है दोस्त, होता क्या है, जब आकाश नीला रंग हो जाता है तो पूरा लाइट ऐसे होता है, बिछड़ जाता है, ठीक है, स्कैटर कर जाता है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है वेव तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दूसरा कारण ये भी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कार में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? नहीं जानते तो वाह, कार जाओ और अपनी कार को देख लो, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। ठीक है, विच लेंस इज यूज टू कार बैक, पीछे के देखने के लिए भी बोल सकते हैं, या तो विच लेंस यूज फॉर कार। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा उत्तल लेंस और इंग्लिश में जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या कहता है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन से सबसे उचित है? धूप, ये तो हिंदी में बताऊंगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, धूप तो सभी लोग समझते होंगे, सनलाइट, सनलाइट से जो बचने के लिए छाता का रंग लेना चाहिए वो किस टाइप का लेना चाहिए? विच अम्ब्रेला इज यूज फॉर सनलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, किस रंग का, विच कलर्स ऑफ अम्ब्रेला इज यूज फॉर सनलाइट्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सभी लोग जानते हैं ब्लैक तो बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्ब ऑफ लाइट करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब लाइट करेगा तो उसमें हीट ज़्यादा गेन होगा, और हीट ज़्यादा गेन होगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया लाइट का प्रॉपर्टीज है, स्केटर किस रंग पे ज़्यादा करता है, वाइट लाइट पे, तो ऊपर उजला होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी लाइट हो तो, यानी कि कुछ भी अगर घुस भी गया तो उसे एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, इसलिए नीचे काला होना चाहिए। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि रेडियस ऑफ प्लेन मिरर, इंग्लिश में मैंने बता रहा है। ठीक है, द रेडियस ऑफ प्लेन मिरर इज क्या होना चाहिए, अनंत है, इन्फिनिटी शून्य है, और ए एंड बी है, और नन ऑफ दीज है। तो मेरा मानना अनंत है, और इस सभी का मानना अनंत है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस दूरदृष्टि, यानी कि आप मायोपिया और हाइपर मायोपिया पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अवतल लेंस है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और ए एंड बी, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, पढ़ने में जो होते हैं वो, यानी कि पढ़ते हैं तो नज़दीक से देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, इसका हम उत्तल लेंस, अगर आपके पास लेंस है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा। और सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आँखों के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आँखों के लेंस
आई लेंस जो होता है उनकी फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? यहाँ पर आयरिस है, रेटिना और लेंस है, कोई नहीं, ठीक है। तो लेंस तो एडजस्ट रहता है, रेटिना तो जानते हैं उससे फिगर बनता है, और आयरिस का काम है फोकल को यानी कि सेटअप करना, ठीक है। तो इसका काम है आयरिस का। एक मनुष्य की शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एक मनुष्य ही नहीं होना चाहिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, क्योंकि एक मनुष्य लेंगे तो कोई भी मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य लेंगे तो उसका ताप होता है 37 डिग्री, ये भी आप जानते होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जीके जीएस का, और लास्ट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिसका जवाब आपको देना है, जो कि पिछली सेट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आज से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और लाइक तो ज़रूर करें दोस्त, और शेयर कर डालो, ठीक है। जितने भी एमआर के प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त हो या कोई और हो या स्टूडेंट हो, उसको आप बता दें कि इस चैनल पे अंकित कुमार राणा चैनल पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है, और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब देना आपको, किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? इसका जवाब दे देना है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं जानते तो पिछले सेट में आप जाइए, सेट नंबर 3 था, और उसमें आप जवाब दे दीजिए, या फिर उसमें आप क्वेश्चन को देखिए तो उसमें पता चल जाएगा आपको यहाँ पर किस रंग का था सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य, छोटा तरंग दैर्ध्य, सब मैंने डिटेल में बताया, ठीक है दोस्त। चलता हूँ, गुड बाय, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ, जल्दी लेकर आऊँगा, और मैथ का भी लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।